करते हुए बलात्कारों को आखिर सत्ता में बैठी इन सरकारों को सोचना होगा। एक बार फिर इस संबोधन को हम लोग दोबारा बोलते हैं, कैसे रोका जाएगा इन बढ़ते हुए बलात्कारों को, सोचना होगा सत्ता में बैठी इन सरकारों को। जिस नवरात्रों के दिनों में जिस मां और बहन की पूजा की जाती है उसकी अस्मिता लूटी जाती है और राजनीति की रोटियां सेकी जाती है, आखिर जब इन महिलाओं के साथ में, इन बेटियों के साथ में जब बलात्कार किया जाता है तो न्याय में देरी क्यों हो जाती है। एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जयपुर के झोटवाड़ा से, जहां आपको बता दें बीकानेर में तैनात एक एएसआई के द्वारा तलाकशुदा एक महिला के साथ में बलात्कार किया जाता है, शादी का झांसा दिया जाता है और शादी के झांसे के बाद में बलात्कार करके उसे रोटी रोटी के लिए मोहताज कर दिया जाता है। एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर आवाज न्यूज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पीड़िता हमारे साथ में, देखिए इस खबर के अंदर जहां पीड़िता रोती हुई बहु होती हुई अपनी वेदना को जनता के सामने रखती है, अपनी वेदना को पुलिस प्रशासन के सामने रखती है। भजनलाल सरकार के द्वारा नारी शक्ति के लिए कई प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, देखिए खास रिपोर्ट। पीड़िता हमारे साथ में, हम जानेंगे पीड़िता के साथ में किस प्रकार से बीकानेर थाने में तैनात एएसआई के द्वारा ये घिनौना कृत्य किया गया। आपकी और उनकी मुलाकात कब हुई थी? 2018 मुलाकात हुई थी। उस दौरान वह बीकानेर थाने में तैनात थे उस समय? नहीं, जयपुर। अच्छा, जयपुर से। उसके बाद में मुलाकात होने के बाद में जो आपके द्वारा जो शादी जो की गई और आप ऑलरेडी तलाक थे, तो ये किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ, ये पूरा घटनाक्रम बताइए। मेरे तलाक होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, उसके बाद उन्होंने मेरे से मंदिर में शादी कर ली। कहाँ, कौन से मंदिर में शादी की? बीकानेर देशों में ही शादी की, जहाँ पे वो तैनात थे। जी, ठीक है। उसके बाद में और उनके साथ कब तक आप साथ में रहे? 4 महीने तक बीकानेर में रहे, फिर जुलाई से अभी तक जयपुर में। 4 महीने बीकानेर में उनके साथ में रहे और उसके बाद में जयपुर में। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि 4 महीने साथ में रहे तो मतलब जो आपका जो बयान दिया गया है FIR के अंदर भी दिया गया है और 164 का भी आपका बयान हुआ है, मेडिकल भी आपका हुआ जो हो चुका है, तो ये कहानी पूरी स्पष्ट ये करती है कि आप एएसआई जो तैनात थे उनके द्वारा लगातार आपका शोषण किया गया, दहेज शोषण आपका किया गया, इस चीज की पूरी पुष्टि करते हैं। इसके अलावा क्या, कितने बच्चे हैं आपके? मेरा बेटा है। कितने साल का बेटा आपका? 10 साल। आपके साथ में रहते हैं? ठीक है। उसके बाद में जैसे आपकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में जो है उनके द्वारा आपको कौन कौन से ऐसे वादे किए गए, उसके बाद में जो है उन्होंने छोड़ दिया, एक बार पूरी जानकारी जो है हमें बताइए। उन्होंने मुझे लिखित में दिया था कि मैं तुम्हारे साथ अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ, जीवन भर तुम्हारा साथ रहूंगा, तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूँ और कुछ महीने बाद मेरा तलाक हो जाएगा जब मैं तुम्हारे सामाजिक रूप से तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। अच्छा, उसके बाद फिर चले गए और वापस नहीं आए, वो मेरे को रखना नहीं चाहता। अच्छा, आपकी लास्ट बात कब हुई थी उनसे? 11 दिसंबर को हुई थी। अच्छा, और अभी तक उनका फोन बंद है, आपने मतलब लगातार संपर्क भी किया है, कोशिश की संपर्क करने की? हाँ, उनके परिवार में सभी को फोन किया तो सबने कहा पता नहीं गायब हो गया, तो बीकानेर में फोन किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सब झूठ बोलते हैं कि हाँ आई। तो प्रेम सिंह जी जो जालौन है और जो थाने में तैनात ASI है, उनके कोई मित्र भैया या कोई सगे संबंधी जिनसे आपकी कोई बातचीत हुई हो, उनके बारे में कुछ जानकारी? जी, उनके काका जी से बात हुई थी जी, तो उन्होंने भी मना कर दिया, बोले पता नहीं हमको कहाँ गया, उनको हमारे संबंध के बारे में पता था, उनके परिवारजनों को सभी को पता था, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब आप जो है प्रशासन से क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है प्रशासन से इस पूरे मामले को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर? मेरी प्रशासन से यही मांग है कि मेरे साथ न्याय हो, ये वर्दी वाले लोग किसी और महिला के साथ ऐसा अत्याचार न कर सकें। एक वर्दी का पावर दिखा के इन्होंने मेरे से ये भी कहा था कि तुम मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगी, तो मैं चाहती हूँ कि राजस्थान सरकार मेरे को न्याय दिलाए। लास्ट बार कब बात हुई थी जब आपको ये धमकी दी गई कि मैं आपको जान से मार दूंगा या जान से खत्म कर दूंगा, ये कब धमकी दी गई? 2 जनवरी को दी गई। इसी 2 जनवरी 2024 को लास्ट बार आपकी बात हुई उनसे? हाँ, बात हुई। उसके बाद थाने में मुलाकात हुई, तब भी उन्होंने मुझे मना कर दिया रखने। कौन से थाने में मुलाकात हुई? झोटवाड़ा थाने में। अच्छा, झोटवाड़ा थाने में कंप्लेंट करने के बाद जब वो आए तो उन्होंने मुझे रखने से मना कर दिया और फिर दोबारा फोन करके कहा कि एक्सीडेंट करवा के मरवा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो झोटवाड़ा थाने के अंदर जब आप पहली बार जब परिवार देने गए थे तब वो आपके साथ में थे? नहीं, मेरा कंप्लेंट होने के बाद वो 5-7 दिन तो आए ही नहीं झोटवाड़ा थाने से, सभी लोग उनको बुलाया लेकिन वो नहीं आए। अच्छा, 7 दिन बाद फिर वो आए जब बात हुई।
अच्छा, तब आपकी क्या फोन पे बात हुई थी या आमने सामने बात? आमने सामने हुई थी तब। थाने, झूठवाड़ा थाने के अंदर? जी। ठीक है, उस समय उन्होंने क्या कहा आपको? नहीं रखूंगा तुम्हें। अच्छा, और आपके पालन पोषण के लिए, आपके बच्चे के पालन पोषण के लिए? मना कर दिया उन्होंने, कहा मैं एक रुपया भी नहीं दूंगा, भीख मांगू तुम अब्रॉड में।